एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर करियर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में नेचर ऑफ रूट्स और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम बिहेवियर ऑफ लाइंस। बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग a pair of linear equation, a pair of linear equation and the existence of number of solutions। अभी यहाँ पे हम पहले तो बिहेवियर ऑफ, अगर हमें कोई दो इक्वेशंस दिया गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो हम उन इक्वेशंस का पहले तो रूट्स का पता, सॉल्यूशन पता करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस होंगे उनके, और फिर उनका हम नेचर पता करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया, लाइंस के बिहेवियर से हम पता करते हैं नेचर। मीन्स इफ बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट इच अदर, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि हमें दो इक्वेशन दिए गए, उनका ग्राफ, जैसे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ खींचने पे हमें ये लाइन आ रहा है, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ खींचने पे ये लाइन आ रहा है। मीन्स ये वाला पॉइंट दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे एक कोई स्पेशल पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका एक स्पेशल सॉल्यूशन होगा। सेकेंड पॉइंट है द लाइन्स may be parallel। अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगे, in this case the equation has no solution। अगर जब हमें कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे, उनका ग्राफ ड्रॉ करने पे, अगर दोनों इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये कोई ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन का हमें खींचने पे ऐसा कुछ आया और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ खींचने पे कुछ ऐसा आया। मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स दोनों के बीच एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसका कोई एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा द लाइंस मे बी कोइंसिडेंट। अगर गिवन इक्वेशन के लाइंस कोइंसिडेंट होंगे, दिस मीन्स इन दिस केस द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हमारे गिवन इक्वेशन का, सपोज ये हमें कोई गिवन इक्वेशन था जिसका ग्राफ ड्रॉ करने पे हमें फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आया और सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ इसी पे आया, इसी लाइन पे आया। मीन्स दोनों पे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उतने सॉल्यूशंस होते हैं। मीन्स ये दोनों इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब हमें अगर कोई दो इक्वेशंस गिवन रहेंगे, सपोज करते हैं हम इक्वेशन, पहला इक्वेशन है हमारा a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा a2x + b2y + c2 = 0 गिवन है। अब हमें इन्हें देख के पता करना है कि इनके वन रूट होंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी रूट्स होंगे या फिर नो रूट्स होंगे। तो हम देखते हैं इसे करके।
इसके लिए एक टेबल बनाती हूँ मैं। पहले तो यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस हो जाएंगे। कंपेयर द रेशियोज, हमें रेशियो कंपेयर करना है। कंपेयर द रेशियोज, पेयर ऑफ लाइंस, फिर उनके रेशियोज को कंपेयर करना है हमें। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, और फिर ग्राफिकल अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रिक अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। हमें अगर पेयर ऑफ लाइंस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमें पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है लाइंस के। अगर हमारा ए वन अपॉन, ये केस वन है हमारा, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू आता है। ये दोनों इक्वेशन जो इसमें ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू मीन्स लाइन, अगर हमारा a1 वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू आ रहा है, मीन्स इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गए, और इनके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो गया, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर हमारा a1 वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू आता है, मीन्स कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स होगा, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगे मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। अगर हमारा ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू आता है, मीन्स लाइन्स पैरेलल होंगे, मीन्स पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, लाइन्स पैरेलल होंगे मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर हमें कोई इक्वेशन दिया रहेगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो, और हमें बोला गया कि इक्वेशन को देख के नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमारा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू आता है, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे और उनके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह हमारा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू आता है, मीन्स लाइन्स कोइंसिडेंट होंगे, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स ऐसे होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स दोनों लाइन्स एक ही लाइन पे रहता है, ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स, ये हो गया कोइंसिडेंट होगा। अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट, अगर दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट होंगे मीन्स हर इनफाइनाइटली पॉइंट्स पे एक दूसरे से मीट करते हैं, मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसका इक्वेशन के। अगर हमारा ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू आता है, मीन्स बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, इस इक्वेशन के जो बनेंगे ग्राफ उसके दोनों लाइन्स पैरेलल होंगे, और अगर दोनों लाइन्स पैरेलल है मीन्स दोनों एक दूसरे से एक भी पॉइंट पर मीट नहीं करते हैं, मीन्स उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर फोर सॉल्व करते हैं। चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स and 2x minus 3y is equals to 12 is consistent if so solve them graphically। हमें तो पहले ये दो इक्वेशंस गिवन है, इन्हें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है, अगर ये कंसिस्टेंट है देन इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है हमें, तो पहले तो चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट होने के लिए ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू होना चाहिए, बी वन अपॉन बी टू, हमारा ए वन कितना है वन है और ए टू टू है, मीन्स वन बाई टू, यहाँ पे a2 हमारा 3 है एंड a1
A13 है, सॉरी A1 A2 हो गया, ये B1 और ये B2, हमारा B13 है और B2 -3 है, 3 अपॉन -3, ये तो कैंसिल हो गया, ये -1 टाइम्स बच गया, 1/2 नॉट इक्वल्स टू -1 हो गया, मीन्स इसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, सॉरी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, अभी जस्ट हम पढ़े थे, और ऐसा इसमें ये रूल फॉलो कर रहा है, ये इक्वेशन दोनों मीन्स इस इक्वेशन के कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। आगे क्या कह रहा है, इफ टू सॉल्व देम ग्राफिकली, अगर ये गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट है मीन्स उन्हें ग्राफिकली अब हमें सॉल्व करना है, तो करते हैं हम। पहला इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, इसके लिए हम बनाएंगे पहले बॉक्स, ये हो गया x, ये y, अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 अज्यूम करते हैं, y इक्वल्स टू अगर 2, लेट y इज इक्वल्स टू 2, देन x प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 6, 6 6 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 0, अगर y हमारा 2 है तो x 0 हो जाएगा, अगर हमारा y इक्वल्स टू 1 अज्यूम करते हैं, व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 देन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, y अगर हमारा 1 है तो x 3 हो गया, और व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, व्हेन y इक्वल्स टू 0, अगर हमारा इसमें y 0 हो गया मींस x इज इक्वल्स टू 6, अगर y 0 होगा तो x 6 हो जाएगा हमारा। अब इक्वेशन सेकंड के लिए हम करेंगे 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 12, इसके लिए भी बनाएंगे हम पहले बॉक्स, ये x और ये y, सॉरी यहाँ पे y 0 है और x 6 है, y हमारा 0 है और x 6 है, हम इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब हमारा x 0 होगा मीन्स 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4, x अगर हमारा 0 है तो y माइनस 4, अब व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, जब हमारा x 3 होगा मीन्स यहाँ पे 3 टू द 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू माइनस 2, अगर x हमारा 3 हो गया तो y माइनस 2 होगा, और एक और वैल्यू हम x का पुट करके देखते हैं यहाँ पे, व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, जब हमारा y 2 होगा इक्वेशन में मीन्स 2x माइनस ऑफ ये 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 12, 2x इक्वल्स टू 12 प्लस 6, x इक्वल्स टू 12 प्लस 6 मीन्स 18 अपॉन 2, ये हो गया 9, हमारा अगर y 2 है तो x 9 होगा। अब दोनों बॉक्स से हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, अब ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए हो गया, ये इक्वेशन 2 के लिए, अब दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, ग्राफ बनाते हैं हम, ये हमारा x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश, x हमारा 9 तक है, ये पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा -1 -2, और ये y एक्सिस हमारा 1 2 3 4 5, ये वाला भी -1 -2 -3 अप टू 4, x अगर हमारा 0 है तो y 2 है मीन्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, x 3 है, इक्वेशन 1 के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, अगर x हमारा 3 है तो y 1 होगा, x 3 है तो y 1 होगा मीन्स कुछ ये वाला पॉइंट हमारा, x हमारा 6 है तो y 0 होगा मीन्स ये वाला पॉइंट, अभी इसका ग्राफ हम खींचते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1 का ग्राफ, इक्वेशन 1 का ये पॉइंट हो गया हमारा 0.2, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 3.1, और ये हो गया हमारा 6.0, अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए बनाते हैं, अगर x हमारा 0 है तो y -4, अगर हमारा x 0 है तो y -4,
इनकी वाई डैश एक्सिस है -1 -2 -3 -4। अगर एक्स 0 है तो वाई -4 ये वाला पॉइंट, एक्स अगर हमारा 3 है तो वाई -2, एक्स 3 है तो वाई -2 ये वाला पॉइंट, अगर हमारा एक्स 9 है तो वाई 2 है, एक्स 9 है तो वाई 2 है, मीन्स कुछ ये वाला पॉइंट। अब इसे भी हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन खींचे हम ये दो, ये इक्वेशन सेकंड का हमारा है, इक्वेशन 2 ये वाला पॉइंट हमारा 9.2, ये वाला पॉइंट 3.-2 और ये हमारा 0.-4, दोनों इक्वेशन के ग्राफ में एक दूसरे को 6.0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस ये दोनों जो इक्वेशन हमें गिव है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, दोनों का सॉल्यूशन 6.0 होगा। हमारा एग्जांपल 5 है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमें यहाँ पे अ पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया, लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दिया गया है, इन्हें तो हमें पहले चेक करना है कि इस इक्वेशन के पहले तो चेक करना है कि नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और फिर उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। चेक करते हैं हम, a1 हमारा 5 है, अपॉन a2 3 है, और यहाँ पे b1 हमारा -8 है और b2 -24 अपॉन 5 है, एंड c2 हमारा 1 अपॉन 3 अपॉन 5 है, c1 1 है और c2 3/5 है। इसे सॉल्व करते हैं, मीन्स 5/3 इक्वल्स टू -8 इंटू 5 अपॉन -24 इज इक्वल्स टू 5/3। इसे कैंसिल करेंगे, 8 3 जा 24, माइनस माइनस कट गया, 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3। जैसा कि इससे पहले हम वीडियो में टेबल में देख चुके हैं कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है किसी इक्वेशन के लिए, गिवन इक्वेशन के लिए, तो उनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। अब हमें इनका ग्राफ बनाना है दोनों इक्वेशन का, फॉर इक्वेशन 1 5x-8y +1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे, ये x और ये y सॉल्व करेंगे, 5x-8y +1 इक्वल्स टू 0 है, देन व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, x अगर हमारा 1 होगा मीन्स 5-8y +1 इज इक्वल्स टू 0, 5+1 6, -8y इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 6/8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 3/4 हो गया ये पॉइंट, अगर x 1 है तो y 3/4, when x इज इक्वल्स टू 2, when x इज इक्वल्स टू 2 होगा अगर हमारा, देन 5 2 10, -8y +1 इज इक्वल्स टू 0, -8y इज इक्वल्स टू -11, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 11/8, अगर हमारा x 2 है तो y 11/8 होगा, when x इज इक्वल्स टू 3, when x इज इक्वल्स टू 3 हो गया हमारा, देन 5 3 18 5 3 15, -8y +1 इक्वल्स टू 0, मीन्स 16-8y इज इक्वल्स टू 0, -8y इक्वल्स टू -16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 2, अगर x हमारा 3 है तो y 2 हो जाएगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे, सॉरी बॉक्स बनाएंगे, ये इक्वेशन 1 के लिए हो गया, अब हम इक्वेशन सेकेंड के लिए बनाएंगे, और इक्वेशन सेकेंड ये x ये y और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड है हमारा 3x-24/5y +3/5 इज इक्वल्स टू 0, व्हेन y इज इक्वल्स टू 5, अगर हमारा y 5 होगा देन 3x-24 +3/5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा,
3x और इधर ये इसका 5 हो जाएगा 24 इंटू 5 4 5 से 20 5 टू जाते हैं 112 120 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे अगर हम 3x माइनस ऑफ 117 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 117 अपॉन 5 इंटू 3। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 39 अपॉन 5। अगर हमारा यहाँ पे y 5 है तो x 39 अपॉन 5 होगा, y 5 है तो x 39 अपॉन 5 हो गया। When y is equals to 0, when y is equals to 0, then 3x minus of 0 plus 3 by 5 equals to 0, 3x is equals to minus of 3 upon 5, x equals to minus 3 by 5 into 3, ये कैंसिल हो गया minus 1 upon 5। अगर हमारा y हो गया 0, तो x हमारा minus 1 by 5 होगा। दो काफी, अभी इसी से हम ग्राफ बनाते हैं। अब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। ये टर्म हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर y हमारा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, x हमारा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। पहला हाँ इक्वेशन 1 के लिए x 1 है तो y 3 बाई 4, 3 बाई 4 कहीं यहाँ पे आएगा और x 1 है, मीन्स ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट होगा। अगर हमारा x 2 है तो y 11 अपॉन 8 है, x 2 है तो y 11 अपॉन 8 मीन्स कि 8.3, 1.3 अप्रॉक्स होगा, मीन्स वो भी कुछ यहाँ पे आएगा। अगर हमारा x 2 है तो y 11 अपॉन 8 आएगा कुछ यहाँ पे। अगर x हमारा 3 है तो y 2 होगा, x 3 है तो y हमारा 2 होगा, मीन्स ये वाला पॉइंट। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ये इक्वेशन 1 का है हमारा ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन है x हमारा 39 अपॉन 5, 39 अपॉन 5 कुछ यहाँ पे आएगा तो y हमारा 5 होगा। ये वाला इक्वेशन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये और आगे तक जाएगा, कुछ ये वाला पॉइंट होगा हमारा। और अगर हमारा x माइनस 1 बाई 5 है तो y 0 होगा, x माइनस 1 बाई 5 मीन्स कुछ यहाँ पे आएगा तो y 0 मीन्स यहाँ पे आएगा। दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाएंगे। अब इक्वेशन 1 का ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सीधा होगा, कुछ इस पॉइंट से क्रॉस करेगा। ये हमारा इक्वेशन 1 का था ग्राफ और यहाँ पे x माइनस 1 बाई 5 है तो y 0 है, कुछ ये वाला पॉइंट आएगा और ये दोनों, तो मीन्स दोनों लाइन को अगर हम मैच करते हैं तो ये भी कोलिनियर हो जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन 1 का ग्राफ और 2 का ग्राफ सेम लाइन पे है, मीन्स कोलिनियर। हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था तो हो गया कोलिनियर, प्रूफ हो गया हमारा ये। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा एक सेल में गई कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने। When her friend asked her how many of each she had bought, जब उसकी फ्रेंड उससे पूछी कि कितना खरीदी वो, she answered the number of skirt is two less than the twice of the number of pants purchased. यहाँ तक पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। Let the number of skirt is equals to x and the number of pants is equals to y. नंबर ऑफ स्कर्ट हम x लिए और नंबर ऑफ पैंट y. द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट, मींस y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्कर्ट से दो कम। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा।
सेकंड क्या कह रहा है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड, मीन्स कि यहाँ पे y इक्वल्स टू 4x माइनस 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स से 4 लेस देन है यहाँ पे। हेल्प हर फ्रेंड टू हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बाउट, यहाँ पे उसकी फ्रेंड को हेल्प करना है कि चंपा कितने स्कर्ट्स और कितने पैंट्स खरीदी। अब इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का हम करेंगे यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, तो ये x हो गया, ये y हो गया हमारा। When x is equals to 0, when x equals to 0, then y equals to 0 minus 2 is equals to minus 2. अगर x हमारा 0 है तो y minus 2. When x is equals to 1, x अगर हमारा 1 है तो y equals to 2 minus 2 equals to 0. x अगर 1 है तो y 0 हो जाएगा। When x is equals to 2, then y equals to 4 minus 2 means 2 हो जाएगा। x अगर हमारा 2 है तो y 2 हो जाएगा। अब फॉर इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए हम बॉक्स बनाएंगे, ये x ये y। इक्वेशन 2 के लिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0 माइनस 4 मींस माइनस ऑफ 4। अगर x 0 है तो y माइनस 4 होगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, जब हमारा x 1 होगा तो y 0 होगा, y इक्वल्स टू 0, x 1 है तो y 0 है। व्हेन x इक्वल्स टू 2, जब हमारा x 2 होगा तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 4 मींस 4 हो जाएगा, x 2 है तो y 4 है। अब दोनों बॉक्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए था और ये इक्वेशन सेकंड के लिए। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें। ये जीरो, ये तो x एक्सिस है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। 1 2 3 4 एंड इधर भी -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। पहला है हमारा x 0 है तो y माइनस टू, x 0 है तो y माइनस टू मीन्स ये वाला पॉइंट। x अगर हमारा 1 है तो y 0 है, x 1 है तो y 0 है मीन्स ये वाला पॉइंट। अगर x 2 है तो y भी 2 है मीन्स ये वाला पॉइंट, ये वाला। ये हमारा इक्वेशन 1 का हो गया। इक्वेशन वन हो गया हमारा। ये पॉइंट 2, 2 ये हो गया 1, 0 और ये पॉइंट हमारा हो गया 0, -2। अब इक्वेशन सेकंड के लिए, अगर x 0 है तो y माइनस 4 मीन्स ये वाला पॉइंट। अगर x हमारा 1 है तो y 0 है मीन्स यही वाला पॉइंट। x 2 है तो y 4 है, x 2 है तो y कुछ 4 है हमारा मीन्स कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। अब इसे भी हम ज्वाइंट करेंगे, एक सेकंड ये गड़बड़ हो गया यहाँ से। तो ये दोनों एक दूसरे को ये 1, 0 पे कट करते हैं मीन्स गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन 1, 0 होगा, 1, 0। अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ स्कर्ट और नंबर ऑफ पैंट निकालना था। तो नंबर ऑफ पैंट y था हमारा, y इक्वल्स टू 2x-2 था, हमारा x यहाँ पे 1 है मीन्स 2-2 0 हो गया मीन्स इक्वेशन सही है, सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें।